स्टैंडर्ड फर्स्ट अगेन वेलकम इन ईवीएस लेक्चर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 3 अवर सेंस ऑर्गन राइट एंड कंप्लीटेड वन एक्सरसाइज आल्सो। नाउ टुडे इन अवर 11th लेक्चर वी आर आल्सो गोइंग टू सॉल्व सम मोर एक्सरसाइज। लुक एट दिस, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज टुडे। Time to answer. Match the following. There are some pictures given over here, and these are the some sense organ over here. So we have to match the picture with its sense organ. Okay, respective sense or sense organs. Now first one. In first picture, the girl is listening music from a tape recorder, radio, etc. So if you are going to hear something, which sense organ we are going to use? अगर हमें कुछ सुनना है, यहाँ पर देखो ये लड़की है वो यहाँ टेप रिकॉर्डर से कुछ सुन रही है गाना वाना, तो ये गाना हम किससे सुनते हैं? हमारे ईयर्स से। तो इसको हम यहाँ पर मैच करेंगे। यहाँ देखो ये ईयर्स लिखा है बी में, तो फर्स्ट पिक्चर को बी के साथ मैच करेंगे। फिर सेकंड पिक्चर, ये जो लड़का है वो टीवी पर कुछ कार्टून या ऐसा कुछ देख रहा है, तो भाई कार्टून देखने के लिए हम कौन सा सेंस ऑर्गन यूज करते हैं? हमारी आइस का। तो आइस कहाँ लिखा है ढूंढो यहाँ पर, यस ए में, तो ये सेकंड नंबर को ए के साथ मैच करेंगे। नाउ इन थर्ड पिक्चर, बॉय इज स्मेलिंग अ रोज फ्लावर। यहाँ पर बच्चा है वो रोज के फ्लावर की स्मेल ले रहा है, तो हम स्मेल किससे करते हैं? हमारे नोज से। तो अभी इन दो में नोज कौन है? ये है ना, तो थर्ड पिक्चर को हम इसके साथ मैच करेंगे। बाकी बचा वो उसका आंसर है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि भाई ये बच्चा है वो आइसक्रीम की एक कैंडी खा रहा है ना, आइसक्रीम का कुछ भी एक बाइट ले रहा है, तो भाई आइसक्रीम खाने का हम जो टेस्ट मिलता है वो हम किससे करते हैं? तो हमारी टंग से। तो फोर्थ नंबर को हम सी के साथ मैच करेंगे। ये हमारा हो गया मैचिंग। नाउ की टर्म्स है यहाँ पर सेंस ऑर्गन, ये की टर्म्स आपको लर्न करने हैं। और जैसे मैं बता रही हूँ, इसमें जितने भी स्पेलिंग आते हैं आपको सब लर्न करने हैं। इसके स्पेलिंग मैं अलग से आपको भेजूँगी, जो आपको CW में लिखने होंगे और लर्न भी करने होंगे, ताकि आपकी वोकेबिलिटी इम्प्रूव हो और आपको इंग्लिश आ जाए। तो सेंस ऑर्गन का मतलब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प अस फील थिंग्स अराउंड अस। हमारी बॉडी के हिस्से जो हमारी आजू बाजू की चीज़ों को महसूस करने में हमें मदद करते हैं, उसको सेंस ऑर्गन बोलते हैं। तो चलो यहाँ पर ये एक्सरसाइज ख़त्म। अभी इस पेज पर आते हैं, पेज नंबर 21 पर, ठीक है। चलो यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज है, लेट अस प्रैक्टिस। ए है क्वेश्चन ए, फाइंड द सेंस ऑर्गन्स हिडन इन द ग्रिड। ग्रिड मतलब ऐसा आपको एक पजलिंग बॉक्स दिया है, उसमें अल्फाबेट है, उनको ऐसे रखा है, अरेंज किया है कि उनमें हमारे 5 सेंस ऑर्गन के नाम मिल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रिड। तो फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हमें यहाँ से क्या करना है? जो हमारे हिडन सेंस ऑर्गन है उनको ढूंढ निकालना है। यहाँ पे उन्होंने एक बना के रखा है, देखो EARS, ईयर्स मतलब कान, वो हमारा सेंस ऑर्गन है ना 5 में से, तो एक तो उन्होंने बता दिया, अभी बाकी कितने रिमेन रहे? 4। तो हमें 4 सेंस ऑर्गन आइडेंटिफाई करने हैं। तो ईयर्स के बाद कौन सा हमारा आता है बोलो? आइस।
तो चलो आइस ढूंढते हैं। यहाँ देखो मैंने सर्कल करके रखा है, ई वाई ई एस, यहाँ तक भी हम जा सकते हैं आइस। तो ये हमारा दूसरा सेंस ऑर्गन आइस। तो इसको आपको ऐसे सर्कल करना है, ई वाई एस आइस। फिर आता है हमारा नोस, तो यहाँ देखो एन ओ एस ई नोस, तो इसको भी हम सर्कल करेंगे, ये नोस। नेक्स्ट है वो है हमारी टंग, है ना। तो यहाँ देखो टी ओ एन जी यू ई टंग, तो इसको भी हम सर्कल कर देंगे। चलो कितने सेंस हुए हमारे सेंस ऑर्गन, ईयर्स आईज नोज टंग, चार हो गए। अभी कौन बचा हमारा, स्किन। यहाँ देखो एस के आई एन स्किन, तो इसको भी हम सर्कल कर देते हैं। तो ये हो गए हमारे फाइव सेंस ऑर्गन, हो गए ना। ऐसे आपको भी आपकी बुक में ढूंढना है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन बी, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कुछ नाम दिए हैं, मतलब कुछ फंक्शन है बॉडी पार्ट्स के, और यहाँ बॉडी के पार्ट्स हैं, हमारे सेंस ऑर्गन हैं। तो कौन से काम कौन से ऑर्गन से होते हैं उसके साथ मैच करना है। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है सी, मतलब देखना। तो हम देखते किससे हैं, नोज से देखते हैं, नो आइस से देखते हैं, यस। तो सी को आइस के साथ मैच करो। फिर है हियर, मतलब सुनना। सुनना किससे करते हैं, नोज से करते हैं, नो आइस तो हो गया। स्किन से करते हैं सुनने का काम, नो। ईयर से करते हैं, यस। तो हियर को ईयर्स के साथ मैच करो। फिर है स्मेल, मतलब सूंघना। तो वो किस नोज से करते हो, तो कि यस। तो इसको इसके साथ मैच कर दिया। फिर है टेस्ट, मतलब फूड का टेस्ट कैसा है, स्वीट है शोर है, वो सब टेस्ट करना। तो टेस्ट किससे करते हैं, स्किन से करते हैं, नो। टंग से करते हो, यस। तो टंग, बाकी बचा वो उसका मैच होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। फील, मतलब हॉट कोल्ड हार्ड सॉफ्ट एक्सेट्रा, तो वो किससे करते हैं, तो के हमारी स्किन से। ये भी कंप्लीट हो गया। चलो सी, विच सेंस ऑर्गन टेल्स यू दैट। यहाँ कुछ जो आपको सेंटेंस दिए हैं वो आपका कौन सा सेंस ऑर्गन आपको बताता है वो लिखना है। एन एप्पल इज रेड, एप्पल है उसका कलर रेड है, लाल है, वो आपको कौन बताता है, किससे पता चलता है, देखने से, सूंघने से, खाने से, टच करने से, देखने से पता चलता है ना। तो देखने के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन है, आइस। तो यहाँ मैं लिखूंगी ई वाई ई एस आइस। फिर नेक्स्ट, समवन इज सिंगिंग इन द नेक्स्ट रूम। आपके घर में दो तीन कमरे हैं और दूसरे कमरे में कोई गाना गा रहा है, तो वो गाना गा रहा है वो आपको किससे पता चलता है, सुनने से। सुनने से पता चलता है, तो आप सुनते किससे हो, ईयर से। तो यहाँ लिखेंगे ई ए आर एस ईयर्स। थर्ड वन, कॉफी स्मेल्स नाइस। घर में चाय कॉफी जब बनती है ना, अगर कोई चाय पी रहा है तो हम चाय मम्मी बनाती है, कोई कॉफ़ी पीता है तो कॉफ़ी की स्मेल आती है, तो वो स्मेल हम किससे करते हैं, नोज से, कि भाई कॉफ़ी की स्मेल नाइस है, मतलब बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छी लग रही है। तो वो किससे पता चलता है कि उसकी स्मेल नाइस है, नोज से। तो यहाँ एन
O S E nose. Next, number 4, an ice cube is cold. हम जो फ्रीजर है उसमें आइस क्यूब बन जमाते हैं ट्रे में ताकि हम अपने कोल्ड ड्रिंक में डाल सकें, तो वो आइस क्यूब है, बर्फ का टुकड़ा है, वो हमें ठंडा लगता है, तो वो हम किससे फील करेंगे ठंडा गरम? यस, स्किन से. तो चलो यहाँ लिखते हैं एस के आई एन स्किन. लास्ट नंबर, अ मैंगो इज टेस्टी. मैंगो है वो बहुत ही टेस्टी है, बहुत उसका टेस्ट अच्छा है. तो टेस्ट हम कौन से ऑर्गन से करते हैं खाने को? हमारी टंग से. टी ओ एन जी यू ई टंग. तो भाई आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज दी है क्वेश्चन आंसर उसको सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय.